नमस्कार, मैं वर्षना, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है खबर दोपहर का। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों को लेकर बात बनती दिख रही है। गठबंधन को लेकर अब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के सुर भी नरम पड़ते दिख रहे हैं। बता दें कि बताया जा रहा है कि महोबा पहुंचे अजय राय ने सपा से सीट शेयरिंग पर सहमति जताते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन मिलकर लड़ेगा, क्योंकि हम दोनों का लक्ष्य बीजेपी को हराना और जंगल राज को खत्म करना है। साथ ही उन्होंने ये दावा किया था कि अगर कांग्रेस को सम्मानजनक सीटें नहीं मिली तो कांग्रेस उपचुनाव से दूरी बना सकती है। वहीं उन्होंने बीजेपी पर जोरदार हमला करते हुए कहा कि प्रदेश हत्याओं का गढ़ बन चुका है और जंगल राज कायम है, जिससे कानून व्यवस्था पूरी तरीके से फेल होती नजर आ रही है। आपको बता दें कि सपा और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे को लेकर अब सहमति बनती नजर आ रही है। पूरी तरीके से हम लोग सहमत हैं, पूरी कांग्रेस पार्टी एकजुट है, इंडिया गठबंधन मिलकर लड़ेगा। समाजवादी पार्टी का भी लक्ष्य है भाजपा को हराना, हमारा ध्येय है कि इस जंगल राज को खत्म करना, भाजपा को हराना जो किसान विरोधी है, महिला विरोधी है, आम आदमी प्रताड़ित कर रही है, जो गरीबों की उसका शोषण कर रही है, अनुसूचितों का शोषण कर रही है, अल्पसंख्यकों का शोषण कर रही है, इसको हटाना हमारा भी ध्येय है। मिलकर लड़ेंगे और इनको हराएंगे। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अभिनव जुड़ चुके हैं। अभिनव, अजय राय का बयान आया है कि सीटों पर बंटवारे को लेकर सहमति बनती जा रही है और अब हम गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे, क्या कहना है इसके बारे में? बिल्कुल, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का ये ताजा बयान सामने आया, जहां वो कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन के 9 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव लड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी को इन 9 सीटों पर मात देने का काम करेगा। हालांकि अब तक देखिए दोनों दलों के बीच में सीट बंटवारा जो है वो फाइनल नहीं हो सका। समाजवादी पार्टी 7 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार चुकी है और 2 सीटें कांग्रेस के खाते में गई है। अब देखने वाली बात है कि कांग्रेस क्या इन दोनों सीटों पर चुनाव लड़ती है या फिर ये दोनों सीटें सपा को दे रही है, क्योंकि लगातार चर्चा है कि कांग्रेस खैर और अलीगढ़ की खैर सीट और गाजियाबाद सदर जो सीट है इस पे चुनाव लड़ने में इच्छुक नहीं है। वो 5 सीटें मांग रही थी और जब 5 सीटें उसको नहीं मिली तो वो ये दोनों सीट भी समाजवादी पार्टी को दे सकती है। देखने वाली बात है कि आगे क्या कुछ होता है, दोनों दलों के जो सीट लीडरशिप है वो क्या कुछ निर्णय करती है। जी अभिनव, एक तरफ उनका कहना कि अगर सम्मानजनक सीटें नहीं मिलती हैं तो उपचुनाव से कांग्रेस दूरी बना लेगी, इसका क्या मतलब है? क्योंकि जहां तक देखा जाए तो सपा ने तो अपने 7 उम्मीदवार पहले उतार रखे हैं। बिल्कुल, देखिए सम्मानजनक सीटों से उनका मतलब सीधे सीधे 5 सीटों पे था। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने 8 सीटें मांगी थी और वो 5 सीटें जो मांगी थी वो 5 सीटें समाजवादी पार्टी ने उनको नहीं दी। समाजवादी पार्टी 7 सीटों पर लड़ रही, 2 सीटों पर उसने कांग्रेस को लड़ने को दिया और 1 सीट पे अभी प्रत्याशी घोषित करना सपा को बाकी है। तो देखने वाली बात है कि आने वाले समय में क्या कुछ घटनाक्रम जो है वो घटता है और कितनी सीटों पे फाइनली कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ती या फिर चुनाव नहीं लड़ती, ये भी देखने वाली बात है। जी अभिनव, जहां तक उनका बयान आया है कि हमें भाजपा को हराने के लिए गठबंधन होकर लड़ना है, क्या लगता है कि अब विपक्ष का सिर्फ एक ही मुद्दा रह गया है भाजपा को हराना? देश की जनता के लिए काम करने का कोई इरादा नहीं है किसी भी पार्टी का? लगातार हमलावर एक दूसरे पे तमाम राजनीतिक दल जो है वो नजर आ रहे हैं और इसी के क्रम में भी ये लोग तमाम सियासी वार जो है वो करते हुए दिखा रहे हैं। बिल्कुल, सभी अपनी इसमें देखिए हर तरह से राजनीति में रोटी सेकने का काम जो है वो लगातार सभी दल जो है करते हुए नजर आ रहे हैं। जी अभिनव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सुप्रीम कोर्ट ने बहराइच हिंसा के आरोपियों पर कल तक बुलडोजर नहीं चलाने के आदेश दिए। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को बुधवार तक कार्रवाई न करने के आदेश दिए। कोर्ट ने कहा कि इन आदेशों का उल्लंघन करने का जोखिम उठाना चाहते हैं तो ये उनकी पसंद है। वैसे हमने ये कहा है कि अगर सार्वजनिक स्थल पर अतिक्रमण है तो मेरे आदेश में वो भी साफ लिखा है। गौरतलब है कि पिछले हफ्ते उत्तर प्रदेश के बहराइच शहर में सांप्रदायिक दंगे हुए थे। हाल ही में अधिकारियों ने कुछ लोगों की इमारतों को गिराने के लिए नोटिस भी जारी किया था और 3 दिन का समय भी दिया था, जिसके बाद जो भी याचिकाकर्ता है उन्होंने अब कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसके बाद कोर्ट की तरफ से ये आदेश आया है कि बुधवार तक फिलहाल बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक लगा दी जाए। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता कलीम हमारे साथ जुड़ चुके हैं।
करीब एक तरफ योगी सरकार ने 3 दिन का समय दिया था बुलडोजर कार्रवाई करने के लिए, दूसरी तरफ कोर्ट का एक बार फिर आदेश कि बुलडोजर पर रोक लगी है, क्या कहना है इसके बारे में? देखिए फिलहाल अर्चना जी, जिस तरीके से बहराइच जो कांड था उस कांड के बाद जिस तरीके से जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई यानी कि बुलडोजर जो कार्रवाई थी उस कार्रवाई को लेकर के एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ये मामला पहुंचा हुआ है, क्योंकि इससे पहले जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ये मामला पहुंचा था तो उसमें साफ तौर से सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया था कि किसी भी तरीके से जो भी संपत्ति है उस पर अगर किसी तरह का कोई ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चलती है तो उस पर पूरी तरीके से रोक, यानी कि कोर्ट के आदेश के बाद उस पर ध्वस्तीकरण की पूरी कार्रवाई चलेगी। और अगर सार्वजनिक स्थलों की बात की जाए जहां पर अदर अतिक्रमण की बात की, यानी कि अगर बात की जाए सड़कों पर जिस तरीके से अतिक्रमण फैला उस पर फिलहाल जो है सरकार बुलडोजर चला सकती है, लेकिन अगर किसी की संपत्ति पर किसी तरह का कोई बुलडोजर चलाती है तो उसको लेकर के पहले कोर्ट से आदेश लेना पड़ेगा। और इसी तरह के अगर बयान की बात की जाए जिस तरीके से बहराइच में 3 दिनों की जो नोटिस दी गई थी, नोटिस के बाद उस मकान को अवैध बताते हुए ध्वस्तीकरण की जो कार्रवाई के आदेश दिए गए थे उसको लेकर के एक बार फिर से 3 याचिकाकर्ता एकाएक सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और इस मामले में सुनवाई हुई, और सुनवाई के बाद फिर से इस मामले में 2 दिनों की रोक लगा दी गई। और इसमें साफ तौर से ये जिक्र किया गया है कि अगर राज्य सरकार इसमें किसी तरह की कोई भी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करती है तो वो उनका निजी मामला होगा। और इसके साथ ही जो बात की जाए फटकार को लेकर के तो फटकार में भी साफ तौर से ये दर्शाया गया है कि इस मामले में साफ तौर से रोक है और जब तक कोर्ट का आदेश नहीं हो जाता है तब तक उस पर किसी तरह की कोई भी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई है वो नहीं की जाएगी। जी कलीम, वही लखनऊ प्राधिकरण का ये मानना था कि जो एलडीए की कार्रवाई की गई थी उसमें ये नोटिस दिया गया था कि जितने भी मकानों पे नोटिस चिपकाई गई है वो सब अवैध अतिक्रमण पे है, इसके बाद कोर्ट का क्या आदेश आ सकता है? क्योंकि कोर्ट का कहना है कि हमने सार्वजनिक स्थलों पर बोला था, लेकिन हवाला तो यही दिया जा रहा था कि वो सारे अतिक्रमण ही है अवैध। देखिए फिलहाल अगर बात किया विकास प्राधिकरण के द्वारा तो विकास प्राधिकरण के द्वारा तो फिलहाल वहां पे जिस तरह से नोटिस चस्पा की गई थी, नोटिस में यह बताया गया था कि वो जमीन जो है वो अवैध जमीन पर ये फिलहाल मकान बनाया गया है। लेकिन अगर इसी मकान की बात किया जिस तरीके से दस्तावेजों के आधार पर यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है तो फिलहाल अभी इस पर रोक लगाई गई है, लेकिन अगर इस मामले में किसी तरह की कोई भी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होती है तो जाहिर सी बात है इस मामले को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंचा है और वहां से जिस तरीके से रोक लगाई गई है उसके बाद एक बड़ी फटकार भी लगाई जा सकती है, क्योंकि जज के द्वारा साफ तौर से इस मामले में जो टिप्पणी की गई उसमें यह दर्शाया गया कि अगर राज्य सरकार किसी तरह का ध्वस्तीकरण की जो कार्रवाई करती है और अगर सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना करते हुए कार्रवाई की जाती है तो जाहिर सी बात है उनको भी तलब करने की जो बात है वो भी बंद लफ्जों में साफ तौर से कही जा रही है। जी जी कलीम, तो क्या लगता है कि बुलडोजर की कार्रवाई जो की जा रही है बहराइच में वो उस पे रोक लग सकती है? देखिए फिलहाल रोक लगना ना लगना वो एक अलग विषय जाता है, क्योंकि अभी इस मामले में जो कोर्ट में सुनवाई है वो सुनवाई चल रही है, लेकिन फिलहाल अभी 2 दिनों की जो रोक लगी हुई है उसमें किसी तरह की कोई भी ध्वस्तीकरण की जो कार्रवाई है वो नहीं की जा सकती, लेकिन हाँ जो कानूनी कार्रवाई की बात की जाए वो कानूनी प्रक्रिया पूरी चल रही है और इस मामले में अगर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करनी है तो सरकार की तरफ से जो हलफनामा है वो कोर्ट में दाखिल किया जाएगा और जो सरकार का जो वकील है वो अपना पक्ष रखते हुए इस मामले में जो अपनी जो याचिका है उस याचिका पर फिलहाल जो बयानबाजी होगी उसके बाद ही जो आदेश आएगा उस आदेश के बाद फिलहाल जो कार्रवाई है वो सुनिश्चित की जाएगी। जी जी कलीम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहराइच के कुछ घरों पे ये नोटिस चस्पा की गई थी गिराने का, बुलडोजर कार्रवाई करने का, जिसको लेकर 3 लोगों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, फिलहाल बुधवार तक की इस पे रोक लगा दी गई है। खबर दोपहर में फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहें प्राइम टीवी।